हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में जो सिल्वर का सेगमेंट है उसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं डे बाय डे में, उसमें इस वीक में कहाँ उसका मोमेंटम, कहाँ से कहाँ क्या रेंज हो सकती है जहाँ पे उसका मोमेंटम हो सकता है, उस बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसका मैक्सिमम मिनिमम रेंज क्या निकल के आ रही है जिससे हमें इस वीक में ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सेटअप मिल सके। और साथ में हमने आपको 5 बजे की बात की जो स्ट्रेटजी दी है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, आप लोगों को पसंद आएगी। एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उसको देखिए। लेकिन फ्रेंड्स, इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर मैं आपको कमोडिटी, इक्विटी के साथ साथ जो न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टाइम पर पोस्ट करता रहता हूँ, और यहाँ पर अच्छी लर्निंग की वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार अपना लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब हम बात करते हैं कि आज जो हमने सेगमेंट लिया है उसमें हमने क्या हम देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले मंथली, वीकली और डेली तीन वे में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मंथली में अगर हम एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो मंथली में हमारा चार्ट कहीं अभी यहाँ पे 55,912 के अराउंड में है, और इसने जो लो फॉर्मेशन किया है 55,137 तक का लगाया है। लेकिन अगर हम इसके पीछे चलते हैं तो पीछे अगर आप देखेंगे तो इसने अच्छा मोमेंटम प्लस साइड में दिखाया है। यहाँ से आप देखोगे सीधा अपसाइड गया था, उसके बाद में अभी इसके लिए रेंज ओपन पड़ा हुआ है कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप अभी इसको फिल करना बाकी है, क्योंकि इसके ऊपर ये वन वे मोमेंटम हुआ था तो उस टाइम कोविड आया था और कोविड में लोगों ने अपना इक्विटी से पैसा निकाल के कमोडिटी मार्केट में लगाया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप का निकल के आता हुआ दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे मल्टीपल टाइम इसने हिट किया था, एक बार इसने यहाँ पर हिट किया, सेकेंड टाइम इसने यही इसी जोन पर आया, और उसके बाद में ये थर्ड टाइम जब ये इससे ऊपर निकला लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब ये मान के चलिए लगभग 2019 का 6 से 8 महीने तक लगातार उसी रेंज में ये घूमता रहा। फिर जब उसके बाद में ये ऊपर निकला तो ऊपर निकला सीधा ये फिर ऊपर ही निकल गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ बनी, लेकिन उस समय नेगेटिव पॉइंट जो आया था कोविड का आया था, कोविड-19 इसी मंथ में आया था। आप देखेंगे मार्च में कोविड आया था, अप्रैल से यहाँ से अपसाइड होना स्टार्ट हो गया। मार्च में लोग अप्रैल उसके बाद मई, ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें जिसने भी अपना ट्रेडिंग किया होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है, लगभग 14-15 हज़ार का एक वन वे मोमेंटम हुआ था अगर आप एक महीने की बात करें खाली जुलाई जुलाई में। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी ये इसके लिए गैप फिल करना बाकी है, इसको यहाँ तक का रेंज आना चाहिए। तो इसका जो रेंज निकल के आता हुआ दिख रहा है डाउन साइड के लिए, अगर बात करें कि कहाँ तक इसको आना चाहिए, अगर ये अपने इस 55,000 के लेवल के नीचे निकलता है तो इसका इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 51,000 तक का लेवल निकल के आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले मंथली को मार्क कर लेते हैं कि मंथली में हमारा क्या निकल के आ रहा है। तो मंथली लाइन को हमने यहाँ पर मार्क करेंगे, थोड़ा सा हम मोटी लाइन इसको बनाएंगे, हम 4x कर लेते हैं कि ये जो हमारा मंथली का ये भी सपोर्ट एक बना हुआ है। यहाँ पे अभी वैसे बात करें तो मंथली में सपोर्ट नहीं है, वीकली का सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये दोनों रेंज निकल के आते हुए दिख रहे हैं, तो हमने इसको थोड़ा बड़ी लाइन कर लिया है, ये जोन बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं वीकली में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चलेंगे तो थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, हम वीकली में आ गए हैं अभी। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे 1x1 करके कि ये कहाँ पे हमारा सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो आप ये देखोगे इसने जब वन वे मोमेंटम किया है तो उसके बाद में जो इसने रेंज बनाया था उस रेंज में ये मल्टीपल टाइम आया है। अगर हम बात करें तो ये एक बार ये यहाँ पे आया है, लगभग 2 महीने तक यहाँ रहा है, उसके बाद में एक वीक में यहाँ आया, यहाँ पर टच किया, ऊपर निकल गया। फिर इसने जब थर्ड टाइम यहाँ पे आया तो उसने ब्रेक किया है अभी, और ब्रेक करने के बाद ये डाउन साइड मोमेंटम होने के चांसेस इसके बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा तभी हम इसको बाई करेंगे।
देख आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास में सीखा था, सेम वे में इसने परफॉर्मेंस किया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम गया है। डाउन साइड मोमेंटम होने के बाद में यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये सपोर्ट बनाया। यहाँ पे सपोर्ट को जो इसने ब्रेक किया है तो डाउन साइड अभी ये वीकली टाइम फ्रेम में 55,000 के लेवल को इसने टच किया है। अभी इसके बाद में इसको अपसाइड जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वन बाई वन लगातार इसमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर नीचे की बात करें तो नीचे इसका सपोर्ट भी बनता हुआ नहीं दिख रहा, सपोर्ट इसका सीधा 51,000 पे ही बनता हुआ दिख रहा है। एक सपोर्ट इसका 53,000 पे है, लेकिन 53,000 का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है जितना अच्छा 51,000 का है। तो हो सकता है अगर ये 55,000 के नीचे निकले तो वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे ये 53,000 और 51,000 का लेवल ये दिखा सकता है। अभी इसमें ऊपर जाने के चांसेस बनते हुए नहीं दिखे हैं, क्योंकि अगर ये ऊपर निकलता है तो इसको रेजिस्टेंस यहाँ से सपोर्ट लाइन से जो ऊपर से ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या परफॉर्म कर सकता है। हम वीकली टाइम फ्रेम के बाद में अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मेशन जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ है ये हमने डेली टाइम फ्रेम को बेस मान के ड्रा किया हुआ है। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इसको, ये हमने डेली टाइम फ्रेम में ड्रा किया हुआ है। बहुत अच्छा इसने सपोर्ट बनाया था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ धीरे धीरे ऊपर निकला। आप देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट था 60,000 का लेवल, उसके बाद में सेकेंड सपोर्ट जो निकल के आया था वो 58,000 का लेवल निकल के आया था। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिए, उसमें हम कुछ वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे कि क्यों हम इसको सपोर्ट बोल रहे हैं और कब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, कितने बाइंग जोन है यहाँ पे, कहाँ पे इसको डिमांड है, कहाँ सप्लाई है, सारी चीज़ें सीखना है तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छा एम टाइप का फॉर्मेशन भी इसने किया, ऊपर नीचे फिर ये ब्रेक किया, दोबारा ये गया तो यहाँ पे वन टाइम रिट्रेसमेंट के बाद जब ये नीचे आता है तो अच्छा मोमेंटम दिखाता है। तो आप देखेंगे यहाँ 62,000 से सीधा 55,000 आ गया, लगभग 7,000 से ज़्यादा का रिट्रेस हो चुका है डाउन साइड के लिए। अगर टॉप साइड से बात करें टॉप साइड में बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है। तो अभी हम इसका जुलाई मंथ में अगर देखते हैं तो इसका जो 55,000 का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पर ये दो बार आके ऊपर जा चुका है, अगर ये थर्ड टाइम आता है तो फिर इसको नीचे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, फिर ये नीचे जाना इसको मस्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार यहाँ पर आया है, ये सेकेंड टाइम यहाँ पे आया हिट किया है, अगर ये थर्ड टाइम यहाँ आता है तो फिर इसको ब्रेक कर देगा और फिर डाउन साइड के लिए 54,000 53,000 फिर 51,000 का लेवल ये दिखा सकता है। बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड के लिए। अगर इनकेस ही यहाँ पे नहीं आता है तो ऊपर इसको रेजिस्टेंस लाइन पे दोबारा फेस करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस 56,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है इसके लिए, और ये उसके बाद दोबारा से भी नीचे आ सकता है, तब इसमें पॉजिटिव मोमेंटम होने के चांसेस थोड़े कम ही दिख रहे हैं। 55,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 55,000 ब्रेक होने के बाद में जब ये एक दिन क्लोजिंग डाउन साइड दे देता है उसके बाद ही हमें डाउन साइड मोमेंटम के लिए देखना है। हम पॉजिटिव मोमेंटम इसमें तभी देखेंगे जब ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके सस्टेन करेगा। ये दोनों चीज़ें इसमें आपको देख के ट्रेडिंग करनी है, जहाँ भी इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलता हुआ दिखे वहीं पर आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर हम नेक्स्ट इसके बाद डेली टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हम चलते जहाँ पे हमारा ट्रेडिंग जोन था, हमने मंथली में देख लिया, वीकली में देख लिया, अब हम डेली में के बाद में आवरली में देखते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी स्ट्रेटजी हुआ करती थी 5 बजे के बाद वाली, तो 5 बजे के बाद का ये जो रेंज इसने बनाया था 56,000 का, उससे लगभग इसने डाउन साइड मोमेंटम दिखाया है। 5 बजे का हमारा ये वाली कैंडल है, 5 बजे से 4 और 5 बजे के बीच की, तो ये जोन इम्पोर्टेंट था। यहाँ से इसने जो कैंडल बनाई है इसमें इसने दो कैंडल में ही लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम दिया, लगभग 250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे बना है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपको क्लियर दिखा देते हैं कहाँ कितना मोमेंटम बना है, तो यहाँ से अगर आप डाउन साइड जाते हैं तो ये लगभग 185 पॉइंट का इसने मोमेंटम दिया है, अगर हम डाउन साइड की बात करें तो। इस तरह से इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी ये ब्रेक होकर डाउन साइड आ गया है, अभी यहाँ पे नीचे कहीं सपोर्ट इसका है नहीं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है 55,700 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो 700 के नीचे फिर ये दोबारा 55,200 आएगा, और ये 55,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख के ट्रेडिंग करिएगा, साथ में प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये आप अगर हम इसको थोड़ा और थोड़ा छोटा करते हैं तो आप देखिए यहाँ से डाउन साइड आया था, यहाँ पूरा ये 2 दिन इसे कंसोलिडेट किया, उसके बाद में इसने 56,000 से सीधा 55,000 1,000 का मोमेंटम दिया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 21 और 22 दो दिन यहाँ पे
घूम चुका है, अभी ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, तो ये 22 को लगातार ये जहाँ खुला उसी रेंज में बना रहा हो, फिर नीचे आ गया। तो मतलब इसमें अभी सेलिंग की साइड में अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, और ये डाउन साइड जैसे निकलता आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और अच्छा खासा मोमेंट आपको डाउन साइड दिखेगा। तो ओवरऑल अभी जो इसका समराइज वे है वो ये है कि यहाँ पे अभी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेडिंग करिएगा। और फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की लर्निंग वीडियो, एक बार जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।